हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर अपन इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव। फिर एक एक करके अदर पॉइंट भी मैं अलग अलग वीडियो में डालूंगा, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन है, वो अदर वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में अपन डालेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब देखते हैं, समझते पहले हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर किसी भी कंपाउंड का वन और मोर हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस किया गया बाय हैलोजन आइटम। हाइड्रोजन को हटाया, एक्स डाला, एक्स मतलब हैलोजन। हैलोजन में भी आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मालूम है पांच हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टैटिन। लेकिन एस्टैटिन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव इसलिए इसके कोई कंपाउंड नहीं है। ओके तो चार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये हैलोजन आएगा किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो यहां पर जो कंपाउंड आएगा बनेगा, उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स के टाइप देखेंगे। अब बेसिकली इसके दो हिसाब से टाइप बनाए जाते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर टू विच हैलोजन इज अटैच। कौन सा स्केलेटल स्ट्रक्चर है जिसको हैलोजन अटैच है। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा हेलो अल्केन्स, मतलब हैलोजन आया लेकिन किसके अंदर, अल्केन्स के अंदर, या हेलो अल्किन्स मतलब हैलोजन आया लेकिन किसको अटैच है, अल्किन्स, या हेलो अल्काइन्स, या और एक आप बोल सकते हैं हेलो आइन्स। ओके ये तीनों एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। इसमें अल्केन सैचुरेटेड है, अल्किन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड है। तो कौन से स्केलेटल स्ट्रक्चर को हैलोजन एटम अटैच हुआ है उसके बेसिस पर ये टाइप बनाए जाते हैं। दूसरा और एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच, कितने हैलोजन आ गए, किसको अटैच हुए उसके बेसिस पर ये टाइप, और कितने अटैच हुए उसके बेसिस पर टाइप। कैसे देखो, जैसे अपन यहां पर बोल सकते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैसा डेरिवेटिव, मोनो, मोनो मींस वन, लाइक दैट। जैसे CH3Cl, तो एक ही क्लोरीन आया तो इसको बोलेंगे अपन क्लोरोमीथेन, आईयूपीएसी नेम, या मिथाइल क्लोराइड। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Br। ओके यहां पर एक ही ब्रोमीन आया इथेन में, तो ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, या आईयूपीएसी नाम होता है उसका ब्रोमो इथेन। कैसे, वो अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे क्या, देखो इथेन में ये तीन और इधर तीन, ऐसे छह हाइड्रोजन होते, छह में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक ब्रोमीन से, इसलिए इसको क्या कहा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर समझो दो रिप्लेस होते तो क्या बोलते, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके मोनो मतलब वन, डाई मतलब दो, आगे क्या होगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तीन हैलोजन से, आगे क्या होगा, टेट्रा हैलोजन, आगे क्या होगा, पेंटा हैलोजन, आगे चलते रहेगा। जैसे डाई हैलोजन का एग्जांपल देखते हैं CH3
सी एच, इधर एक सी एल और इधर एक सी एल, ओके दो क्लोरीन आ गया इथेन के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे डायहैलोजन। ये दोनों क्लोरीन एक कार्बन को भी अटैच हो सकते हैं या दो अलग अलग कार्बन को भी अटैच हो सकते हैं, मतलब आप इसका ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहां पर एक क्लोरीन और यहां पर एक क्लोरीन। ये जो हैलोजन होता है जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन को अटैच होते हैं उसको बोलते हैं जेमिनल डायहैलाइड्स। कौन सा जेमिनल, जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन को होते हैं, लेकिन दो हैलोजन है लेकिन अलग अलग कार्बन को अटैच है तो उसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड्स। क्या बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड्स। इसके बाद आता है ट्राहैलोजन डेरिवेटिव। ट्राहैलोजन के अंदर क्या होता है तीन हैलोजन आइटम प्रेजेंट है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला है सी एच फोर लेकिन इसके तीन हाइड्रोजन तीन क्लोरीन से रिप्लेस किए गए तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या क्लोरोफॉर्म, तो ये ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव हुआ। एकदम सिंपल पार्ट है। बेसिक हैलोजन के दो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। किसको हैलोजन अटैच है, अल्केन को, अल्किन को, अल्काइन को या अरिन्स को, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को वैसा। एंड कितने हैलोजन अटैच उसके बेसिस पे, मोनो हैलोजन, डाय हैलोजन, ट्राय हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, पेंटा हैलोजन, हेक्सा हैलोजन, सो ऑन, ओके। लेकिन अगर अपन अपने सिलेबस की बात करते हैं तो अपने को ज्यादातर डिस्कशन देखने का है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का। काय का मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। पहला टाइप है अल्काइल हैलाइड। क्या अल्काइल हैलाइड, अब ये तो अपने को मालूम है कि अल्काइल ग्रुप अपन किसको बोलते हैं, अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो जो ग्रुप बनेगा उसको अपन बोलेंगे अल्काइल हैलाइड्स। सिंपली जो आर एच है दैट इज अल्केन, इस अल्केन का एक हाइड्रोजन गया और एक ही हैलोजन आया तो यहां पर बनेगा आर एक्स। That RX is nothing but alkyl halide. Okay? When only one hydrogen atom of alkene replaced by one halogen atom, the compound form is called as alkyl halide. Okay? इसमें खास बात, अब ये अल्केन है मतलब जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा sp3, वो हैलोजन किस कार्बन को अटैच है उसके बेसिस पर अल्किल हैलाइड्स के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से देखो, तो कंसेप्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इसमें पहला टाइप है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पहला टाइप है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड ही लेकिन इसमें जो हैलोजन एटम अटैच है वो प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच है। किसको अटैच है, प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं अपन, जो किसी कार्बन को अटैच नहीं या सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है उस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CH3Cl, नाम क्या बेटा इस कंपाउंड का, मिथाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये जो क्लोरीन है मतलब हैलोजन है ये CH3 के कार्बन को अटैच है और ये कार्बन किसी और कार्बन को अटैच नहीं, मतलब कैसा कार्बन है, प्राइमरी। इसलिए ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और एक एग्जांपल CH3CH2Cl, इसको अपन बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, मतलब ये पहला कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है और दूसरा कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है, तो क्लोरीन प्राइमरी कार्बन को अटैच है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ऐसा ये दूसरा टाइप
सेकेंडरी अल्कलाइड। सेकेंडरी अल्कलाइड में क्या होगा, जैसे प्राइमरी में क्या था, हेलोजन इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, तो इसके अंदर क्या होगा, हेलोजन इज अटैच टू किसको, सेकेंडरी कार्बन एटम। उधर प्राइमरी में था, इधर सेकेंडरी में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CH3 और यहां पर अगर Cl अटैच है, ध्यान से देखना, आप ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक को अटैच है, ये भी प्राइमरी है एक को अटैच है, लेकिन ये जो सेंटर का कार्बन है जिसे क्लोरीन अटैच है ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ये दो कार्बन को अटैच है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्किलेलाइड्स। या और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH CH2 CH3 और इसे अटैच है कौन, Cl। अभी जो क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है उसका सिर्फ टाइप देखने का, ध्यान देना, ये पहला कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है प्राइमरी, दूसरा दो को अटैच है सेकेंडरी, तीसरा ये भी दो को अटैच है ये भी सेकेंडरी, और ये एक को अटैच है मतलब प्राइमरी। सिर्फ देखने का किस कार्बन को हैलोजन अटैच है, ओके, किस टाइप का कार्बन है कंपाउंड में, ये नहीं देखने का, हैलोजन की डायरेक्ट अरेंजमेंट किसको है ये देखने का। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, और एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल, CH3 CH3 CH CH CH3 और इधर अटैच है क्या, Cl। अब ध्यान देना, ये जो कार्बन है एक को अटैच है तो ये प्राइमरी, ये जो कार्बन है एक दो तीन, तीन को अटैच है तो टर्शियरी, ये जो कार्बन ये एक को अटैच है मतलब प्राइमरी, ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है उसके दोनों साइड में दो कार्बन है मतलब यहां पर ये है सेकेंडरी, ये कौन सा है प्राइमरी, यहां पर टर्शियरी कार्बन भी है प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, लेकिन क्लोरीन सेकेंडरी को अटैच है तो ये कौन सा टाइप का अल्किलेलाइड हुआ, सेकेंडरी अल्किलेलाइड। तीसरा और आखिरी टाइप टर्शियरी अल्किलेलाइड क्या होता है, देखो अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिर्फ कार्बन के तरफ ध्यान देने का, कौन से कार्बन को हैलोजन अटैच है, जैसे CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर अटैच कौन रे बेटा, Cl। अब ये जो कार्बन है इसके अराउंड तीन कार्बन है मतलब इस कार्बन का टाइप है कौन सा, टर्शियरी, एंड टर्शियरी कार्बन को क्लोरीन अटैच है इसलिए इसको अपन बोलेंगे क्या रे बेटा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसके तीन ही टाइप हो सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके आगे भी अपन ने कार्बन का एक टाइप पढ़ा हुआ है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कार्बन मतलब जिसको चार कार्बन अटैच है, अब जिसको चार कार्बन अटैच है उसको हैलोजन अटैच नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, जैसे एक स्ट्रक्चर लिखा मैंने CH3 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 और यहां पर लिखा CH2 Cl। आपको समझो ये बताने का है, ये जो हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है उसके बेसिस पे ये किस टाइप का अल्काइलाइड है, तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि एक कार्बन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी। अब देखो ये एक को अटैच है प्राइमरी, एक को अटैच है प्राइमरी, एक को अटैच है प्राइमरी, ये सेंटर का चार कार्बन को अटैच है मतलब क्वार्टरनरी, लेकिन उसको हैलोजन अटैच नहीं है, या मैं कहूंगा हो ही नहीं सकता क्योंकि चार कार्बन अटैच है और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी चार ही होती है, पांचवा आइटम उसे अटैच नहीं हो सकता, लेकिन ये जो CH2 है ये प्राइमरी कार्बन है और उसे अटैच है कौन, क्लोरीन। मतलब ये काय का एग्जांपल हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का। सिर्फ अपने को ध्यान देने का है कि कौन से कार्बन को, किस टाइप के कार्बन को हैलोजन अटैच, ओके। सेकंड टाइप है आप एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स के अंदर कंसेप्ट ऐसा है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, लेकिन अनसैचुरेशन पॉइंट पर मतलब जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उसको हैलोजन अटैच नहीं है, उसके एडजेसेंट कार्बन को। एग्जांपल देखते हैं, फिर और कंसेप्ट क्लियर होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl कंपाउंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन इसको अटैच है, लेकिन यह कार्बन अनसैचुरेटेड नहीं है,
ये सैचुरेटेड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। लेकिन इसके बाजू वाला जो है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उस कार्बन का नेबर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है, देखो इसके जैसा जो थोड़ा सा डिफरेंस है, आराम से ध्यान दें। इसमें क्या है, देखो हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और वो कार्बन बेंजीन रिंग को अटैच, किसको अटैच है, बेंजीन रिंग, मतलब लाइक दैट। अब कंसेप्ट को समझो, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और जिसको ये अटैच है वो कंफर्म क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके जैसा है। लेकिन ये जो sp2 था वो एरोमेटिक नहीं था, और ये जो sp2 है वो एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, फोर्थ टाइप है विनाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, देखो हैलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन आइटम विच इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें क्या था, हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच होता था जो sp3 हाइब्रिडाइज है, वो फिर उसको अटैच था जो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इधर वैसा नहीं, हैलोजन डायरेक्टली वैसे कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या रहे बेटा, X। ये जो कंपाउंड है इसको अपन विनाइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। इसमें डायरेक्ट हैलोजन अटैच है उस कार्बन को जो sp2 हाइब्रिडाइज है। फिफ्थ टाइप है आरिल हैलाइड्स। जैसे अल्किल हैलाइड्स होता है एलिफेटिक का मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, आरिल हैलाइड्स मतलब एरोमेटिक का मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब क्या समझो, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है हैलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ओके, इसमें देखो ये जो हैलोजन है ऐसे कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, और इधर भी हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो कार्बन है वो एलिफेटिक है और ये जो कार्बन है वो एरोमेटिक है, इसलिए इसको विनाइलिक हैलाइड और इसको बोलते हैं आरिल हैलाइड्स। आखिरी टाइप इसका हेलो अल्काइन्स। नाम से पता चल रहा है इसमें अल्काइन का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर क्या देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C और इधर समझो हमने CL लगाया, तो ये इथाइन है और इसको कौन अटैच है, क्लोरीन, तो आप इसको क्लोरो इथाइन भी बोल सकते हैं। अब अगला और सिंपल पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, देखो दो सिस्टम है, पहला सिस्टम है कॉमन नेम सिस्टम, अपन ने 11 में पढ़ा है कॉमन नेम सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो इसको कोई रूल नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो अपन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का, खास करके अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखेंगे। इन कॉमन नेम सिस्टम, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड, अल्काइल ग्रुप के नाम के बाद सिर्फ आपको हैलाइड वर्ड लगाने का, जैसे क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड, कंसेप्ट खत्म। नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड, जैसे देखो CH3Cl, अब ये एक कार्बन है, एक का मिथेन, तो मिथेन का हो गया क्या बेटा, मिथाइल, मिथाइल आया कौन, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यूनिफॉर्मेलिटी के लिए मैं एक ही टाइप का हैलोजन मतलब क्लोरीन कंसीडर कर रहा हूं। आगे CH3 CH2
फिर इधर सीएल, दो कार्बन है, दो कार्बन का इथेन, इथेन का इथाइल अटैच टू क्लोरीन, तो अपन लिखेंगे इथाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे इथाइल क्लोराइड। अगर हम तीन कार्बन के डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसमें आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट आएगा, CH3CH2CH2Cl, ये भी हो सकता है या CH3CH3 और यहां पर आएगा Cl, थोड़ा सा 11 का सेक्शन, ये भी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन है, इसको अपन एन प्रोपाइल बोलते हैं और इसको आइसोप्रोपाइल। तो इधर क्या होगा, नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप दैट इज एन प्रोपाइल फॉलोड बाय हैलाइड, हैलोजन कौन है क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्लोराइड, तो नाम क्या हुआ एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये आइसोप्रोपाइल है तो इसका नाम क्या आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, पहले वाला एन प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। ओके, सिर्फ अल्काइल ग्रुप कौन सा ये देखने का, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH2CH2Cl, अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं चार, चार का कौन होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होता है ब्यूटाइल और उसको अटैच क्लोरीन है, स्ट्रेच चेन आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रेच चेन आ रहा है। वही अगर आप इसको ऐसा लिखते थोड़ा सा चेंज करके CH3CH CH2CH3, यहां पर लगा दिया क्या Cl। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको अपन सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं, कौन सा सेकेंडरी फॉलोड बाय द वर्ड क्लोराइड, तो नाम क्या हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, वही इस ब्यूटेन का और एक डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं CH3 और यहां पर Cl, तो इसको अपन बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। सिर्फ ये दिमाग में रखना है नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हैलोजन। तो ये अल्काइल ग्रुप सिर्फ देखने के, जैसे इधर एक कार्बन का था मिथाइल, इथाइल प्रोपाइल में दो पॉसिबल थे एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, सिर्फ अल्काइल ग्रुप कौन सा है देखने का, नेम ऑन द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड, जैसे मैंने क्लोरीन के एग्जांपल लिए तो फॉलोड बाय द वर्ड क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए तो फॉलोड बाय द वर्ड ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए तो फॉलोड बाय द वर्ड आयोडाइड। दूसरा टाइप है नॉमेनक्लेचर का दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम। अब आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है देखो, इसके अंदर सिंपल कंसेप्ट है, जो पैरेंट अल्केन है उसके सामने एक वर्ड लिखा जाता है दैट इज हेलो, फिर यहां पर आएगा क्या बेटा अल्केन। ओके, मतलब यहां पर प्रेफिक्स यूज होता है सफिक्स नहीं यूज होता, और हमेशा प्रेफिक्स यूज होता है यहां पर, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो अल्केन, ब्रोमीन है ब्रोमो अल्केन, आयोडीन है आयोडो अल्केन। ओके, बाकी यहां पर जो अल्केन के नाम देने के आईयूपीएसी रूल है वही रूल यहां पर फॉलो होते हैं, कुछ अलग नहीं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रूल के बारे में बता देता हूं। अब यहां पर अपने को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हैलोजन को, मतलब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा उस पैरेंट अल्केन के अंदर हैलोजन की पोजीशन कहां पर है। ओके, जहां से हैलोजन नजदीक होगा वहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन देखेंगे पोजिशन ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। ओके, बाकी कंसेप्ट बाद में आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर अपनी होगी हैलोजन से। अब अपन इसके एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ साथ रूल में अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने CH3Cl, अब इसमें पैरेंट एक कार्बन का है मतलब मीथेन है। ओके, और उसे अटैच क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया क्लोरो मीथेन। ओके, पैरेंट मीथेन है हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरो मीथेन। दूसरा CH
थ्री सी एच टू सी एल। अब इसमें भी आइसोमेरिज्म नहीं बनते तो इसीलिए अपन इसको भी कॉमन तरीके से बताएंगे कि इसका पैरेंट इथेन है, अटैच क्लोरीन है, तो नाम हो गया क्लोरो इथेन। ओके, अब अपन देखेंगे प्रोपेन के एग्जांपल। अभी कॉमन नेम सिस्टम में देखा था इसके दो स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक था एन प्रोपाइल और दूसरा था आइसो प्रोपाइल। अब दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या होंगे, देखो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और यहां पर सी एल। दोनों में भी जो पैरेंट एल्केन है वो तीन तीन कार्बन का है, लेकिन अगर आप पहले की बात करेंगे राइट हैंड साइड से पहले कार्बन को हैलोजन अटैच है, मतलब नंबरिंग ऐसा होगा एक इधर दो और इधर तीन। वही अगर आप दूसरा कंपाउंड देखेंगे इसमें भी पैरेंट तीन का है बट क्लोरीन सेंटर में मतलब सेकंड पोजीशन पे। आप नंबरिंग राइट से भी शुरू कर सकते हैं और लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब हैलोजन दो नंबर पे जा रहा है कहां से भी आप शुरू करो। हाँ, तो इसीलिए इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो हैलोजन की पोजीशन अलग है, दोनों का पेरेंट सेम है तीन तीन कार्बन का। अब इसका नाम होगा वन क्लोरो प्रोपेन। वही इस कंपाउंड का नाम आना चाहिए टू क्लोरो प्रोपेन। दोनों में प्रोपेन ही है पेरेंट, लेकिन हैलोजन इधर एक नंबर पे और इधर दो नंबर। अब ब्यूटेन का अगर आप उन डेरिवेटिव देखेंगे तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और इधर सी एल, जिसको अभी कॉमन नेम सिस्टम में अपन ने नाम दिया था एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसमें चार कार्बन है, लेकिन यहां से गए तो हेलोजन चार नंबर पे आएगा और यहां से गए तो एक नंबर पे, मतलब नंबरिंग ऐसा होगा एक दो तीन और चार। एक नंबर पे क्लोरीन है तो अपन क्या नाम देंगे वन क्लोरो और चार कार्बन का क्या बेटा ब्यूटेन, तो कंपाउंड का नाम हुआ क्या वन क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका ही मतलब ब्यूटेन का अगला डेरिवेटिव अपन ने ऐसा लिखा था सी एच सी एच टू सी एच थ्री और इधर सी एल अटैच था, कॉमन नेम था सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें कंसेप्ट ऐसा देखो आईयूपीएसी में ये इसको हेलोजन अटैच इस कार्बन हो, मतलब इसकी पोजीशन नजदीक आनी चाहिए। अगर आप राइट से गए तो एक दो तीन नंबर पे हेलोजन आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से गए तो एक दो दो पे हेलोजन आ रहा है, मतलब लेफ्ट से जाएंगे एक दो तीन चार, तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन अटैच है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे टू क्लोरो चार कार्बन का कौन ब्यूटेन। अगला सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और इधर अटैच सी एल, कार्बन चार ही है लेकिन चेन देखेंगे तो तीन की है, मतलब पैरेंट तीन कार्बन का है और एक जो कार्बन है वो साइड में चला गया साइड चेन में गया। हाँ, अब इसको पहले नंबरिंग देते समय ये देखेंगे तीन का ही है मतलब हैलोजन सेंटर में, तो राइट से भी जा सकते हैं लेफ्ट से भी, तो एक दो तीन, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, मतलब क्या हुआ टू क्लोरो और तीन का प्रोपेन, लेकिन इधर है साइड चेन है कौन सा मिथाइल, कितने नंबर पे अटैच है दो नंबर पे, तो अपन क्या लिखेंगे टू क्लोरो टू मिथाइल और तीन कार्बन का क्या है बेटा प्रोपेन, तो कंपाउंड का नाम हुआ टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। क्या हुआ टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब आगे इसमें अगर आप और एग्जांपल देखेंगे प्रोपेन का जो डेरिवेटिव सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू और इधर सी एल। ओके, अब इसमें अगर आप देखेंगे चार टोटल कार्बन चार ही है लेकिन पेरेंट वापस कितने कार्बन का है तीन का, नंबरिंग आपको राइट से देना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर नजदीक है हेलोजन के ये दो और ये तीन, मतलब आप हेलोजन क्लोरीन एक नंबर पे तो ये वन क्लोरो और दो नंबर पर अटैच है मिथाइल ग्रुप,
वन क्लोरो, टू मिथाइल और तीन का क्या प्रोपेन। ओके और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3, इधर CH2 और यहां पर Cl। ध्यान से देख, मैं थोड़े थोड़े अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसमें क्या है देखो, टोटल पांच कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन पैरेंट अगर आप देखेंगे हेलोजन के साथ तो अपने को तीन का कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों साइट में प्रेजेंट है। तो नंबरिंग की बात करेंगे तो राइट से देंगे 1, 2, 3। क्यों राइट से देंगे, क्योंकि हेलोजन राइट साइड से नजदीक है। अब देखो मतलब ये हो गया 1 क्लोरो, 3 का पैरेंट मतलब प्रोपेन, लेकिन 2 नंबर पे 2 मिथाइल, मतलब क्या 2 डाय मिथाइल, और 3 का पैरेंट जिसको अपन क्या बोल सकते हैं प्रोपेन। ओके अब यहां पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप आई, इसीलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया क्या बेटा डाय, सिमिलर साइड चेन या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा आता है तो अपन वहां पर कुछ प्रीफिक्स यूज करते, 2 आए तो डाय, 3 आया तो ट्राई, 4 आया तो टेट्रा, सेम होने चाहिए। जैसे देखो और थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल, CH3, CH2, इधर एक हेलोजन अटैच है और इधर एक हेलोजन अटैच है। अब इसमें अगर देखेंगे तो पैरेंट चेन 3 कार्बन का है। ओके अब यहां से गए कि 1 नंबर पे हेलोजन है और 2 नंबर पे हेलोजन है, और यहां से गए कि 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, मतलब राइट से नजदीक है, तो 1, 2, 3 पैरेंट 3 का है, लेकिन यहां पर 2 हेलोजन है, 1 नंबर पे और 1, 2 नंबर पे, तो अपन क्या लिखेंगे 1, 2 डाय क्लोरो, 1 और 2 नंबर पे क्लोरीन है, 1, 2 डाय क्लोरो, 3 का होता है क्या बेटा प्रोपेन, तो कंपाउंड का नाम हुआ 1, 2 डाय क्लोरो प्रोपेन। अब ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, जैसे देखो CH3, CH2, CH, इधर एक Cl है और इधर एक Cl है, ये भी डायक्लोरो, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें पैरेंट 3 का छे, प्रीवियस जैसा सिर्फ इधर 2 अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन था, मैंने एक ही कार्बन पे लिया, तो यहां पर कंसेप्ट ऐसा है, नंबरिंग ऐसा होगा 1, 2, 3। ओके तो फर्स्ट नंबर पे 2 क्लोरीन है, मतलब अपन लिखेंगे 1, 1 डायक्लोरो, 1, 1 डायक्लोरो, 3 का पैरेंट मतलब ओ है क्या प्रोपेन। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3, CH, CH3, CH, Cl, इधर CH3, 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 यहां पर अपना हेलोजन अटैच। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, या 1, 2, 3, 4, 5। जब मैं काउंट कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा हेलोजन सेंटर पे प्रेजेंट है 3 नंबर पे, मतलब आप नंबरिंग राइट से भी दे सकते हो और आप नंबरिंग लेफ्ट से भी दे सकते हो। ओके लेकिन यहां पर फिर साइड चेन का सवाल आएगा, अगर आप राइट से गए तो 2 नंबर पे साइड चेन है, लेफ्ट से भी गए तो 2 नंबर पे साइड चेन है, लेकिन राइट से गए तो 2 नंबर पे 2 साइड चेन है और लेफ्ट से गए तो 2 नंबर पे 1 ही साइड चेन है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी हुई राइट साइड को, जिधर सेकंड पोजीशन पे 2 साइड चेन है, मतलब नंबरिंग ऐसा होगा 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 3 नंबर पे हेलोजन है तो 3 क्लोरो। ओके और साइड चेन देखो 4 नंबर पे 1 है और 2 नंबर पे 2 है, मतलब टोटल 3 साइड चेन है और तीनों भी सेम है मिथाइल, 3 है इसलिए बोलेंगे ट्राई मिथाइल, लेकिन किधर है 2 नंबर पर 2 है और 1 4 नंबर पर है, तो 2, 2, 4 ट्राई
मिथाइल, ट्राई मिथाइल, पांच कार्बन का कौन रे बेटा, पेंटेन। तो कंपाउंड का नाम हुआ थ्री क्लोरो टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगला और एक एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल, CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH, C2H5 और इधर CH, CH3 और इधर भी लगाया CH3। अब पेरेंट अल्केन अगर आप देखेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन, तो कितने कार्बन का देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। या दूसरा ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबिलिटी। आप देखो इसमें कंसेप्ट ऐसा है, हेलोजन की पोजीशन अगर आप देखेंगे राइट से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 चार नंबर पे आ रहा है, और लेफ्ट से जाते हैं तो 1, 2, 3। तो लेफ्ट से नजदीक आ रहा है तो नंबरिंग ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। किसी के दिमाग में आएगा सर इधर इथाइल ग्रुप अटैच, लेकिन अपन सबसे पहले हेलोजन का पोजीशन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखते हैं, फिर साइड चेन का पोजीशन देखते हैं, फिर नंबर ऑफ साइड चेन देखते हैं, और सबसे आखिरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो इधर पोजीशन में डिफरेंस हो गया, राइट से जाते तो हेलोजन चार नंबर पे आता, लेफ्ट से गए तो तीन नंबर पे आ रहा है, मतलब लेफ्ट अपन प्रेफर करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, देखो तीन नंबर पे क्लोरीन, मतलब क्या थ्री क्लोरो। अब साइड चेन की बात करेंगे तो दो नंबर पे मिथाइल है, चार नंबर पे इथाइल है, पांच नंबर पे मिथाइल। अब यहां पर जब आप साइड चेन लिखेंगे तो आप तीन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम है लेकिन ये इथाइल अलग है यहां पर, तो अपन डाय मिथाइल बोलेंगे और इसको इथाइल लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कंपेयर टू एम। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे थ्री क्लोरो फोर इथाइल और मिथाइल अटैच है टू फाइव, कितने मिथाइल है दो, तो टू फाइव डायमिथाइल, डायमिथाइल छह कार्बन का, क्या रे बेटा हेक्सेन। तो ये था हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का सेक्शन। आगे मैं और इस पे वीडियो डालते रहूंगा जो होंगे रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो फॉर द मोर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।